बंदो मोहताजो गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। वमन आरदान जिक्री फैन लहू मईशतन जनका, जो हमें याद नहीं करेगा, जिसकी जिंदगी में सब कुछ होगा लेकिन अल्लाह नहीं होगा, उसकी जिंदगी को हम बेचैनी वाली जिंदगी बना देंगे। वो करोड़ों और लाखों कमाएगा लेकिन उसके घर में चैन न होगा, सास बहू के झगड़े उसके घर में होंगे, भाई भाई के झगड़े उसके घर में होंगे, उसके घर में ननद भाभी के झगड़े होंगे, उसके घर में देवरानी जेठानी के झगड़े होंगे, उसके घर में न चैन होगा न सुकून होगा, उसके बच्चे बीमार होंगे, जो हमको याद नहीं करेगा। फइन लहू मईशतन ज़ंका, उसकी जिंदगी बेचैनी वाली बन जाएगी। وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, और कल कयामत के दिन हम ऐसे इंसान को अंधा बना करके उठाएंगे। قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى, वो कहेगा ये अल्लाह मैं तो दुनिया में अच्छा खासा देखा करता था, मैं आज अंधा कैसे हो गया। अल्लाह फरमाएगा كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى, मेरे बंदे तेरे सामने कुरान की आयतें पढ़ी गई, तेरे सामने नमाज की अहमियत बताई गई, तेरे सामने बेहयाई की बुराई की गई, मगर तू बेहयाई के काम करता रहा, तू नमाज को छोड़ता रहा, तू अल्लाह की याद से गाफिल रहा, जब तू दुनिया में अंधा बन गया तो आज हमने तुझको अंधा बना दिया। तो ये पहली आयत है कि अपने माल और औलाद के चक्कर में अल्लाह को मत भूलो। वमन यफअल ज़ालिका, और जो माल के चक्कर में अल्लाह को भूल जाएगा, जो औलाद के चक्कर में अल्लाह को भूल जाएगा, फौलाइका हुमुल खासिरून, उससे ज़्यादा घाटे का सौदा कोई नहीं कर रहा है। हम ये समझ रहे हैं कि साहब हम दुकान कर रहे हैं नमाज छोड़ करके, हमारी हमारी दुकान में बड़ी बरकत हो रही, बड़ा पैसा आ रहा है। नहीं, पैसा तो आ रहा है मगर आप घाटे का सौदा कर रहे हैं। जानते हो फायदे का सौदा किसको कहते हैं? आओ एक मिसाल आपको देता हूं, फायदे का सौदा किसको कहते हैं। अल्लाह के नबी अपने साहबा के साथ बैठे हुए, एक साहबी आते हैं, अय अल्लाह के नबी मैं अपने बाग की चहार दीवारी कर रहा हूं, मेरा खजूरों का बाग है, मैं उसकी बाउंड्री कर रहा हूं, और बाउंड्री करने में मेरे पड़ोसी का एक खजूर का पेड़ आ रहा है, मैं उससे कह रहा हूं कि ये खजूरों का पेड़ तुम मुझे दे दो, लेकिन वो मुझे देने को तैयार नहीं है। नबी अकरम ने उसको बुलाया, कहा भाई अपने बाग की बाउंड्री कर रहा है, तुम्हारा एक पेड़ इसकी बाउंड्री के रास्ते में आ रहा है, तुम अपने पेड़ की जो मुनासिब कीमत है दे दो। उसने कहा नहीं, मैं नहीं दे सकता। उसने कहा मैं ये पेड़ नहीं दे सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा हाँ, अगर इस एक खजूर के पेड़ के बदले में मुझे पूरा एक बाग दे दिया जाए तो मैं वो बाग के बदले में ये मैं एक खजूर का पेड़ दे दूंगा। नबी अकरम ने अपने सहाबा से कहा, ऐ मेरे सहाबा, कोई है जो इसके इस पेड़ को खरीद ले, मैं उसको जन्नत में जन्नत की गारंटी देता हूं, इससे बेहतर खजूरों का बाग उसको जन्नत में मिलेगा। कोई है अल्लाह का बंदा जो अपना खजूरों का बाग इसको दे दे और इसका ये पेड़ खरीद ले। एक साहबी खड़े हो गए, उनका नाम था अबू दहदा। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी मेरा एक बहुत बड़ा खजूरों का बाग है, मैं आपको गवाह बना करके कहता हूं कि मैं अपना खजूरों का बाग इसको दे रहा हूं, और इसका वो एक खजूर का पेड़ मैं लेकर के अपने इस सहाबी भाई को दे रहा हूं। सौदा डन हो गया। अबू दादा दौड़े दौड़े घर आए, उनकी बीवी उसी बाग में गई हुई थी। मुस्नद अहमद के अल्फाज हैं, हजरत अबू दादा बाग के दरवाजे पर पहुंचे और बीवी को आवाज दी, ऐ उम्मे दादा, ऐ मेरी बीवी, तुम जल्दी से इस बाग से निकल जाओ, ये बाग मैंने अल्लाह की राह में दे दिया है। ऐ मेरी बीवी, मैंने एक खजूर के पेड़ के बदले में इस बाग को खरीद लिया है, इस बाग को बेच दिया है, और मुझे अल्लाह के नबी ने इस पर जन्नत में इससे बेहतरीन बाग की गारंटी दी है। आज के दौर की औरतें होती तो शौहर की ये बात सुनकर के चार बातें सुनाती कि आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं देखा, आपसे बड़ा स्टूपिड कोई नहीं देखा कि आप एक एक पेड़ के बदले आप इतना बेहतरीन बाग आप बेच करके चले आए,
आज की औरतें होती तो चार ताने मार देती। लेकिन मेरी प्यारी माओ बहनों, नबी की सहाबियात की जिंदगी भी क्या जिंदगी थी। उम्मे दादा उस बाग से निकलती हैं और अपने शौहर से कहती हैं, ऐ मेरे शौहर, आपने बड़े फायदे का सौदा किया है, आपने बड़े मुनाफे का सौदा किया है, आपने जन्नत के बाग के बदले अपने बाग को दे दिया है, आपने कोई घाटे का सौदा न किया। ये थे साहबा। एक और साहबी थे, उनका नाम था सुहैब रूमी। हमारे यहाँ शेरशाबादी चलता है, अंसारी चलता है। इसी बिहार में दरभंगा में एक गांव है, वहाँ सड़क में दीवार बनी है। एक तरफ से अंसारियों का रास्ता, एक तरफ से शेख का रास्ता है। अंसारी के रास्ते से शेख नहीं जा सकता, शेख के रास्ते से अंसारी नहीं जा सकता। हम तो बिरादरियों में बटे हुए हैं, ठीक है, बिरादरी है तो है, लेकिन बिरादरी कोई फ़ख्र की चीज़ नहीं है। शेरशाबादी ये सोचे मैं शेख और अंसारी और खान से अच्छा हूँ, खान ये सोचे मैं अंसारी से बेहतर हूँ, अंसारी ये सोचे मैं फला से बेहतर हूँ, ये इस्लाम की तालीम नहीं है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। बिरादरी की बुनियाद पर किसी को कोई इज्जत हासिल नहीं है। नबी के सहाबा में आप देखें वैरायटी है सहाबा। सलमान फारसी ईरान के रहने वाले, सुहैब रूमी रूम के रहने वाले, इसी तरीके से हजरत बिलाल हबशा के रहने वाले। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई ईरान का है, कोई हबशा का है, लेकिन नबी के सारे सहाबा दर्जे में और मकाम में सहाबी होने के एतबार से बराबर हैं, सहाबी होने के एतबार से बराबर हैं। हजरत बिलाल तो ग़ुलाम थे, उनको हजरत अबू बकर ने ख़रीद करके आज़ाद किया था। और हजरत उमर कहा करते थे, आतक सैदोना सैदना, बिलाल भी हमारा आका और अबू बकर भी हमारा आका, हमारे आका ने हमारे आका को ख़रीद करके आज़ाद किया। बेटा नहीं अल्लाह के नबी को, लेकिन हां अल्लाह के नबी हमारे लिए बाप की तरह है। अल्लाह के नबी ने सही हदीस में फरमाया कि मैं अपनी उम्मत के लिए बाप की तरह हूं। रूहानी औलाद अल्लाह के नबी की आपकी उम्मत है जो करोड़ों की तादाद है। बेटा लेकिन कोई नहीं है। अब नवासे जो नबी के हैं वो नबी के बेटों से कम नहीं है। नबी अकरम खुतबा दे रहे हैं, नवासे नजर आए, आप मिंबर से उतरे, अपने दोनों नवासों को गोद में लिया और आपने फरमाया, ओ लोगो, मेरा अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। ऐ ईमान वालो, तुम्हारा माल तुम्हारे लिए फितना है, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। मैं अपने इन दोनों नवासों को देख करके बर्दाश्त न कर पाया, जब तक मैंने अपना खुतबा न रोक लिया, मैं मिंबर से उतर न गया, जब तक इनको अपनी गोद में न ले लिया, इनको चूम न लिया, इनको प्यार न कर लिया, मुझे चैन न मिला। तो माल और औलाद, ये दो चीजें इंसान की जिंदगी में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इंसान हराम का रास्ता क्यों अपनाता है? मेरे नौजवान साथियों, यह अलग बात है कि जब आप जवान हो जाते हैं तो आपको अपने बूढ़े बाप की पेशानी पर बुढ़ापे की लकीरें बुरी लगने लगती हैं, मगर कभी गौर करना कि अपने बच्चों के लिए माँ बाप क्या क्या करते हैं। कितने तो ऐसे माँ बाप है जो अपने बच्चों की खुशी के लिए गलत रास्ता भी अपनाने लगते हैं, हालांकि वो जायज़ नहीं है, हराम है, लेकिन अपने बच्चों की खुशी के लिए माँ बाप कभी कभी हराम और नाजायज़ रास्ता भी अपनाने लगते हैं। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। तुम्हें माल से जितनी भी मोहब्बत हो जाए, लेकिन माल के चक्कर में कभी तुम अल्लाह के जिक्र को मत छोड़ना। 2017 की बात है, अल्लाह ने सऊदी अरब जाने का मौका दिया। मदीना के अंदर में असर की नमाज का टाइम था, अजान के 10 मिनट पहले मस्जिद नबी से वॉकिंग डिस्टेंस पर एक नकाब की दुकान पर गया। नकाब खरीदा मैंने, सेलेक्ट कर लिया, पसंद कर लिया, रेट भी तय हो गया। मैं पैसा देने वाला हूँ, नकाब देने वाला, नकाब देने वाला है। बगल में मस्जिद नबी के लाउड स्पीकर से अजान की आवाज़ आने लगी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। दुकानदार ने काउंटर बंद कर दिया, पर्दे गिरा दिए, कहा शेख साहब बाद में आइएगा।
मैंने कहा भाई मेरे अजान हो रही है अभी तो जमात में 10 मिनट का टाइम है, अभी कोई मसला नहीं है, तुम पैसा ले लो सामान दे दो। कहा नहीं नहीं अजान हो चुकी है, इस बात की इजाज़त नहीं है कि हम अजान होने के बाद कोई सौदा सलफ करें, आप नमाज के बाद आइए, दुकान मेरी खुली रहेगी, आपको सामान मिल जाएगा। अल्लाह की कसम उस दुकानदार ने पैसा मेरी जेब में मौजूद है, उसने पैसा न लिया, उसने सामान न दिया। अजान की आवाज़ सुनने के बाद, हो लोगो आज सऊदी अरब के लोग बहुत बुराइयां करते हैं, अल्लाह की कसम अपनी तमाम कमियों और कोताहियों के बावजूद आज भी इस्लाम अगर अपनी सच्ची हालत में पूरी कायनात के अंदर कहीं मौजूद है तो आपको उस मक्का मदीना की सरजमीन पर मिल जाएगा। अजान हो रही है, दुकान बंद, कोई सौदा नहीं होगा। मुझे कुरान की आयत याद आ गई, रिजालुल्लातुलहीहिम तिजारतुन वला बैउनन ज़िक्रिल्लाहि व इकामिस्सला। मेरे नेक बंदे तो वो हैं, मेरे नेक बंदे तो वो हैं, मेरे अल्लाह वाले बंदे तो वो हैं, उनका कारोबार कभी उनको नमाज से नहीं रोकता, उनकी तिजारत उनको कभी नमाज से नहीं रोकती। सीमांचल के जलसे मैं बहुत बोल चुका हूँ, चैनल वालों से भी कई बार कहा है कि भाइयों इन जलसों को किस शक्ल मत बिगाड़ो, आपसे भी बार बार कहता हूं कि इन जलसों की शक्ल न बिगाड़ो। माओ बहनों से बार बार कहता हूं, ये जलसे हैं, ये कुरान और हदीस के नाम पर कायम होते हैं, इन जलसों के तकद्दस को पामाल न करो। जवान जवान लड़कियां सज धज करके, मेकअप करके, सवर करके इन जलसों में आ रही हैं, और ओबाश और बदमाश किस्म के लड़के रास्तों पर घूम रहे हैं। मेरे भाइयों अगर जलसों का यही मकसद है तो अल्लाह के वास्ते इन जलसों को बंद कर दीजिए। चैनल वालों आपने गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ चैनल खोले हैं, तकरीरों के एक तकरीर के 50-50 रिकॉर्ड करने वाले कैमरे लगे हुए हैं, तकरीरों को आपने रिकॉर्ड किया, आपने अपने व्यूवर्स बढ़ाने के लिए, अपने देखने वालों की, अपने दर्शकों की तादाद बढ़ाने के लिए आपने तकरीर कुछ थी, आपने उस पर गर्मा गर्म कोई टॉपिक डाल दिया, जो मैंने अपनी तकरीर में जो बात कही भी नहीं, जिसका जिक्र भी मैंने ना किया, वो बात आपने मेरी तकरीर में उसके टॉपिक बना दिया उसको। कितने चैनल वाले हैं मेरी तकरीर के साथ नंगी औरत की तस्वीर मेरे फोटो के साथ लगाते हैं और टॉपिक क्या रखते हैं, मेले में जाने वाली लड़कियां, मेले में जाने वाली लड़कियां ये टॉपिक लगाते हैं, और एक बेहुदा और उरिया लिबास पहने हुए एक लड़की की तस्वीर मेरे बगल में लगाते हैं। लोग व्हाट्सएप करके मुझसे पूछते हैं मौलाना साहब इसका क्या जवाब है आपके पास, मेरे पास अल्लाह की कसम कोई जवाब नहीं है। पैसा कमाओ मेरे भाई, मगर पैसा कमाने के लिए इतना न गिर जाओ कि आप हलाल और हराम की हदों को भूल जाओ। इस चीज का भी आपको हिसाब देना पड़ेगा। आपने तकरीर के अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनने वाली चीज के ऊपर आपने इतना गंदा थंबनेल लगाया है, कल आखिरत में आप क्या जवाब देंगे मेरे भाई। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद्दुनिया वल आखिरा। जो लोग ईमान वालों के दरमियान बेहजाई को फैलाते हैं, वल्गैरिटी को फैलाते हैं, नंगेपन को फैलाते हैं, उनको आखिरत में जो अजाब होगा होगा, उनको दुनिया में भी दर्दनाक अजाब होगा। आपने नंगेपन को फैलाया, आपने औरियानियत को फैलाया, इससे तो अच्छा था बॉलीवुड की हीरोइनों के इंटरव्यू ले लेते, इससे तो अच्छा था बॉलीवुड के गानों को रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे डाल लेते, कम से कम तकरीरें तो बदनाम ना होती, कम से कम जलसे तो बदनाम ना होते। क्या हो रहा है मेरे भाई, जलसों के नाम पर क्या क्या हो रहा है हमारे यहां, क्या क्या खुराफात हो रही है। इतने जलसे हो रहे हैं मगर हमारा नौजवान नमाज से आज भी दूर है। अल्लाह ने फरमाया, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। माल के चक्कर में तुम अल्लाह को भूल न जाना, औलाद के चक्कर में तुम अल्लाह को भूल न जाना। और आज अगर कोई अल्लाह को भूल गया, उसकी जिंदगी में सब कुछ है अल्लाह नहीं है, अल्लाह का जिक्र नहीं है, नमाज नहीं है, अल्लाह को याद नहीं करता है, तो दुनिया में तो जो होगा होगा, आखिरत में क्या होगा।